हाय गाइस, आई एम करिश्मा राजपूत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रूट क्लीनअप कैसे करते हैं। सो लेट्स सी द प्रोसेस। सबसे पहले हम लगा लेते हैं हेयर बैंड, फिर हम करते हैं अपने फेस को क्लीन विद वेट फेशियल टिश्यू। अगर हमने कोई मेकअप कर रखा है तो भी हम पूरे फेस को क्लीन करेंगे, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए हमारा फेस। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्लिनजिंग, तो हम क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजर हमेशा हमें अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। इसे हम करते हैं 2 to 3 minutes इन सर्कुलर मोशन। और क्लिनजर जो है पोर्स को मैक्सिमाइज कर देता है और ये डर्ट डस्ट को रिमूव कर देता है हमारी स्किन से। तो हमें क्लिनजिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं अपनी स्किन पर तो सबसे पहले हमें करना है क्लिनजिंग। क्लिनजर को हम अपनी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराते हैं, तो हम वाटर टच लेते रहेंगे साथ साथ और क्लिनजिंग करते रहेंगे 2 to 3 minutes ही, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमारा जब क्लिनजिंग हो जाएगा हम लेंगे वेट फेशियल टिश्यू, हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे पूरे फेस से बिल्कुल अच्छे से, और इसका फ़र्क हमें दिख ही जाता है क्लिनजिंग करना और ना करने का। तो प्लीज़ आप भी क्लिनजिंग ज़रूर करें। और फिर हम करते हैं सेकेंड स्टेप टोनिंग। टोनिंग जो है हम टोनर जो लेंगे वो हम कॉटन पे लेंगे, डायरेक्ट स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आईज़ में चला जाता है। फिर आता है थर्ड स्टेप जो है स्क्रबिंग। स्क्रब जो हम बना रहे हैं ओट्स मिल्क और एलोवेरा को मिला के बना रहे हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लगा लेंगे अपने पूरे फेस पे। पूरे फेस पे लगाना है प्लस नेक पे भी लगाना है। जब हम पूरे पे लगा लेते हैं फेस प्लस नेक, फिर हम इसे 2 minutes के लिए छोड़ देंगे। 2 minutes के लिए छोड़ देंगे, फिर 2 minutes के बाद जैसे हम नॉर्मल स्क्रबिंग करते हैं इन सर्कुलर मोशन, वैसे हम करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम स्क्रबिंग करते हैं वो सिर्फ 3 minutes के लिए ही करते हैं, तो हमें 3 minutes के लिए ही करना है। हम सर्कुलर मोशन में करते रहेंगे स्क्रबिंग फॉर 3 minutes। देखिए आप, इनके फेस से टैन रिमूव हो रहा है। वो जो मिल्क था, मिल्क का कलर ओट का वाइट होता है, पर ये चेंज हो रहा है थोड़ा। तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। जब हम कर लेंगे तो इसे हम रिमूव कर लेंगे। अच्छे से रिमूव करना है क्योंकि ओट्स बहुत चिपक जाते हैं, तो हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे इसको पूरे फेस से और नेक से। रिमूव करने के बाद हम देते हैं स्टीमिंग। हमारे पास स्टीमर नहीं है ना, तो हम कॉटन में गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी को स्क्वीज़ करते हैं कॉटन में, फिर हम इसे देते हैं स्टीमिंग। फिर हम ले रहे हैं एस्ट्रिंजेंट जो हम निकाल रहे हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हमारे होते हैं। फिर हम बना रहे हैं फेस पैक। फिर क्योलिन पाउडर और मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरे फेस पे लगा लेना है, प्लस नेक पे भी लगाना है। जो क्योलिन पाउडर है ये हमारे स्किन को कूलनेस प्रोवाइड करता है, तो हम इसे पहले लगा लेंगे अच्छे से। ये इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग हैं फ्रूट क्लीनअप के, आपको दिख जाएगा। और आप प्लीज़ ट्राई करें, फिर मेरे को अपने रिव्यू बताएं। जैसे कि आपको पता ही है इस क्लीनअप का नाम है फ्रूट क्लीनअप, तो अब हम लगाएंगे फेस पे फ्रूट। फ्रूट हम यूज़ करने वाले हैं बनाना, क्योंकि ये है ड्राई स्किन। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो सिट्रिक फ्रूट यूज़ करें, जैसे कि होता है ऑरेंज, जो खाने में खट्टे होते हैं उन्हें बोलते हैं सिट्रिक फ्रूट्स। तो इनके ड्राई स्किन है तो हम यूज़ कर रहे हैं बनाना प्लस मिल्क यूज़ कर रहे हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर पूरे फेस पे लगा लेंगे, फेस पे भी और नेक पे भी। जब हम अच्छे से पूरे फेस पे और नेक पे लगा लेंगे, हम इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट्स के बाद ही हम इसे रिंस आउट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और जैसे कि अच्छे से लगाने के बाद हमने 15 मिनट्स बाद छोड़ देना है, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, रिंस आउट कर देंगे। फिर इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आएगा, जैसे कि अब आप देख ही सकते हैं हमने रिंस आउट कर दिया है और इसके रिज़ल्ट कितना बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।